मैं ना कहती थी ये सारा कुछ आपकी माँ का किया धरा है। मैं भी नीचे गई हूँ ना, आपको पता है वो आपकी बहुओं को क्या सिखा रही हैं? बोल रही हैं कि सामिया तो तुम्हारी बड़ी बहन है और बड़ी बहन तो माँ की जगह होती है और फिर है भी जेठानी, तो यानी कि सामिया तो लुबना की सास हुई ना, तो फिर मैं कौन हूँ? हाँ, आपकी माँ जो है ना जाते जाते मेरे लिए मुसीबतें बना के जा रही है। क्या हो गया तुम्हें फातिमा? कभी तम्मी का पीछा छोड़ दिया करो, और वैसे भी आज वो जाने वाली है, उसके बाद तुम्हें जैसा मुनासिब लगे वैसे ही करना। वसीम, मैं सास तो बन गई हूँ लेकिन अपनी सास की अजियत में ही रही मैं। तुम एक काम करो ना, फरिया से मिलने चली जाओ, जल्द या बदेर रिश्तेदारी तो होने वाली उससे। और वैसे भी जब भी तुम फरिया से मिलने जाती हो ना, मुंह तुम्हारा कुछ अच्छा हो जाता है। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है, और वैसे भी मैं चाहती भी हूँ कि मैं फरिया के साथ ताल्लुकात अच्छी हो। जब उसे ये पता चलेगा ना कि उसकी माँ उसके साथ खड़ी है, फिर और भी आसानी होगी अरसलान को सामिया को इस घर से निकालने में। क्या खूबसूरत मौसम है, बारिश हो रही है, थोड़ा गुस्सा कम कर लो। ओहो, हमें तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि हयात भाई अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत नेक इंसान थे, हर बार हमारे काम आते थे। बस बहन, जो अल्लाह की रजा, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को जल्दी बुला लेता है। अरे बहन, आप तो हमें ऐसे कह रही हैं कि जैसे हम बहुत बुरे इसलिए जिंदा हैं। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे, अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। वैसे वो सामने वाली रजिया खाला बता रही थी कि तबस्सुम हफ्ता 10 दिन से आए बैठी है घर। हाँ नहीं, हाँ वो नहीं नहीं, असल में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो असल में मैं अकेली हूँ ना, तो इसलिए मेरे पास रहने के लिए आ जाती है। जाहिर है बेटी है ना, बेटी ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? अरे बहन, तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ, वैसे मुझे मामला तो कुछ और लगता है। क्या मामला लगता है आपको, हमें भी तो पता चले। मैं तो बस ऐसे ही अपना समझकर दुख दर्द बांटने के लिए आ गई थी, तुम तो काट खाने को दौड़ रही हो। नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल हमारी अपनी हैं। अरे बहन, चिकनी चपड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारी बेटी की शक्ल देखते ही समझ गई थी कि शोहर से लड़ाई झगड़ा कर आई है। उठे निकले यहाँ से, जाए यहाँ से। अम्मी बस, ये क्या बदतमीजी है, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? ये तमीज ना, जाके अपने बच्चों को सिखाइए, हमारे घर के मामलात में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है आपको। अरे बहन, मुझे तो तुम्हारी बेटी के लच्छन ही अच्छे नहीं लग रहे घर बसाने वाले, इसलिए तो शोहर से लड़ाई झगड़ा कर आई है। पता नहीं शोहर ने बर्दाश्त भी कैसे किया होगा। इतनी हमदर्दी हो रही है ना मेरे शोहर से, तो अपनी बेटी को ब्याह दे उससे। नहीं बड़ी। अरे बहन, देख रही हो अपनी बेटी को, हद से ज्यादा बदतमीजी कर रही है ये। बहन आप चली जाए, जाए यहाँ से। जाती है या नहीं, वरना मैं हाथ पकड़ के आपके घर छोड़ कर आऊँ। अल्लाह माफ करे, ऐसी बेटियां थी तभी तो हयात भाई मर गए, मेरी ऐसी बेटियां होती ना गला दबा के मार देती। अरे गला तो आप जैसे पड़ोसियों का दबाना चाहिए, जो साथ देने की बजाय कंसुरियां लेने आ जाते हैं, दूसरों का दिल जलाते हैं। निकले यहाँ से, चले जाए यहाँ से। अल्लाह का वास्ता, आप चली जाए यहाँ से, चली जाए। हाँ हाँ जा रही हूँ, मैं भी मर नहीं रही तुम्हारी यहाँ बैठने के लिए। खबरदार जो आज के बाद हमारे घर आई तो। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को आने देती हैं आप भी।